क्या बताऊं यार, ये टीवी सीरियल वाले भी ना हद करके रखा इन्होंने। तो मत बता भाई, किसने पूछा? कल ना मैं मार्केट से थक के आया और मैंने सोचा ना कि टीवी देख लूं, और भाई मैंने जैसे ही ना रिमोट की तरफ हाथ बढ़ाया, कसम से किसी ने मुझसे पहले आके रिमोट ले लिया। क्या बताऊं यार। क्या है यार, तो तुझे भी वही देखना चाहिए था जो सब देख रहे हैं। सिंपल, क्या समझा? अच्छा तो भाई देखना तो मैं भी लेता, मगर क्या बताऊं, आंखों से ना आंसू बहने लगते मेरे यार। मगर कैसे, तेरी आंखों से आंसू? क्या बात कर रहा भाई। हाँ भाई हाँ, तुझे तो पता होना चाहिए कि घर की टीवी पे किसका अधिकार होता है यार। क्या है नहीं यार, समझा? अबे चूती है, घर की महिलाओं का अधिकार होता, वो भी कानूनी अधिकार, कि अगर उन्हें सीरियल देखने को नहीं मिला तो रात को खाना नहीं मिलेगा, समझो खत। ठीक है, हाँ मानना पड़ेगा तो क्या हुआ? भाई, थोड़ी देर ना और बैठा रह जाता ना तो आंखों से आंसू ढुलक कर गालों पे आ जाते, और वो गालों को चूमते हुए नजर आते, दो मोटे मोटे आंसू। यार सच बता रहा हूँ भाई, सीरियल वालों ने पका के रखी है। और दिल से ना एक ही दुआ निकलती है कि हे भगवान, साला अपनी जिंदगी में इतना दुख नहीं है जितना इन टीवी एक्टर्स वालों के लिए जिंदगी में दुख बनना रहता इन सीरियल में। भाई बस एक ही दुआ निकलती है दिल से, हे भगवान तो प्यार करने वालों को मत तड़पा, इनके जिंदगी में जो भी दुश्मन है इनको हटा। और मन तो यहाँ तक भी करता भाई कि इनके बीच में, दो प्यार करने वालों के बीच में जो दुश्मन है ना, को मैं खुद जाके गोली मार के आऊं। सच कह रहा हूं यार। अबे ऐसा कौन सा सीरियल देख लिया? नागिन 6 यार, वही जो कलश टीवी पे आता, एकता कपूर। यार मजाक है जो सीरियल आते वक्त कोई एक मूवी लग जाए थोड़ी देर के लिए, भाई साहब घर की ये औरतें ना सिर्फ सीरियल ही चलेगा। और एकता कपूर ने भी कसम खा के मानी है भाई कि जब तक अच्छा, या तो ये सीरियल बंद हो जाए, वरना एक बिस्तर के लोग ना दो बिस्तर में हो जाएंगे, ये एकता कपूर करके मानेगी। सच कह रहा हूँ दोस्त, सीरियल बंद होना चाहिए भाई। भाई कलर्स टीवी पे ना नागिन 6 शुरू होते ही ना माँ भाभी तावे पे रखी रोटी छोड़ के चली आती हैं भाई, टीवी के सामने बैठ जाती जैसे मंदिर में ना कोई भक्त बैठा हो। और भाई सबसे ज्यादा तकलीफ तो तब होती है जब भाभी के पीछे मेरा भाई हाथ बांध कैसे बोलता, हे भगवान कितनी तकलीफ है यार इन लोगों को, ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई। बहुत तकलीफ होती है यार, खाना नहीं मिलता यार जब तक सीरियल खत्म नहीं होता भाई, सच बता रहा हूँ भाई। मैं दोष किसका दूँ, कलश टीवी वालों का या एकता कपूर, या मैं अपने इन सीधे साधे भोले भाले परिवार वालों का, यार किसका दोष दूँ मेरे भाई, तू ही बता यार। भाई कभी कभी सोचता हूँ ना किसी बाबा के पास जाऊं और नागिन सीरियल वालों के लिए ना दुआ भभूत कराऊं यार, झाड़ फूंक करवाऊं, ताकि इस सीरियल में ना खुशी आ जाए, परिवारों के आंखों में जो आंसू आते ना मेरे वो बंद हो जाए, कम से कम एक तकलीफ तो मेरी कम होगी यार। सच बता रहा हूँ भाई, या तो तू ही कुछ बता यार। अच्छा ये तेरा दुख ना मेरे से देखा नहीं जा रहा। मैं ना तेरे टीवी के सारे सीरियल वाले चैनल आज डिलीट कर देता हूँ, पर पार्टी देगा ना, भूलेगा तो नहीं ना? प्रभु ठीक है, भाई दुनिया ना अंत की तरफ बढ़ रही, पर एकता कपूर ना मजाक बना के रख दिया, एपिसोड पे एपिसोड इमोशनल ड्रामा पे एक से एक बढ़ के इमोशनल ड्रामे। भाई साहब नागिन के तो इतने एपिसोड बना दिए ना कि बिग बॉस भी सलमान खान का वो सोचेगा यार कि कहीं ये आगे ना निकल जाए। अवश्य। भाई 1 2 3 4 5 6 नागिन बताओ, असल जिंदगी में ना असल नाग नागिन जो इनको देखते होंगे तो भाई वो सोचते होंगे मैं ये तो चूतिया हूँ यार, मुझे तो लोग ऐसे ही बेकार में नाग नागिन बोलते हैं। भाई तू ही कुछ कर, क्या ड्रामा बना के रखा है एकता कपूर ने, नाग नागिन यही सोचते होंगे भाई। हर हर महादेव, आप सभी को प्रणाम नमस्ते। आशा करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं सुभाष वासु, हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी, और ऐसी नई वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।